गर्मियों के दिनों में दोस्तों कभी कभी किसी किसी को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो पर खाना खाने पे स्वाद नहीं आता। कितना भी अच्छा पकवान देखे पर खाने का मन नहीं करता। और अगर जबरदस्ती खिलाया जाए तो उपकारी आने लगती है। तो इस रोग को अरोचक रोग यानी कि अरुचि कहा जाता है। इस रोग की वजह से जो पेशेंट होता है वो दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है। कभी कभी ये जो सिम्टम होते हैं ये फीवर के बाद स्पेशली आते हैं, या फिर ज्यादा गर्मी हो रही है, किसी किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ये अरुचि वाला रोग उसको अपने जो है जकड़ लेता है। वो समझ नहीं पाता इंसान कि क्या करें। इससे जो है बच्चे और बड़े सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। खान पान में अनियमितता होती है, या फिर कभी भूख नहीं लगी है तो भी हमने खाना खा लिया, भूख से ज्यादा खा लिया, रात में देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, चिंता तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा अगर मीठा खा लिया है तो उससे भी जो है खाने में अरुचि हो सकती है। इसके अलावा पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो या अन्य इस टाइप की समस्याएं हो तो खाने से अरुचि हो सकती है। जैसे खून की कमी, एसिडिटी, पेट में कोई घाव होता है, पीलिया या फिर बुखार के बाद ये समस्याएं आमतौर पर ज्यादा उभरती हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं गैस होता है, उसकी वजह से पेन है, तो भी ये दिक्कत होती है। बहुत सारी बीमारियों के बाद या बीमारियों के साथ साथ ये सिम्टम हो सकता है। और इसे जो है बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल फीमेल कोई भी जूझ सकता है। किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कितना भी अच्छा खाना आप उनके सामने रखिए पर जो है उनको जो है देखकर खाने की इच्छा नहीं होगी, उल्टे उबकाई आने लगती है। तो इस तरह की जो बीमारी है उसका इलाज आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ। ये रेमेडी बहुत ही सिंपल सी है, दो रेमेडीज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल उपाय है जिससे जो है हम खाने में अगर अरुचि हो रही है तो इस चीज को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेमेडी है वो है काली मिर्च के साथ। काली मिर्च हम लेंगे दोस्तों, अगर आपको खाने नहीं पच रहा है यानी कि पाचन के लिए अगर हम काली मिर्च का यूज करते हैं तो डाइजेशन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात मिल जाती है। सर्दी खांसी आ रही है तो भी राहत मिलती है, और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। हमारे जो आंत होता है इंटेस्टाइन, उसकी हेल्थ के लिए काली मिर्च रामबाण औषधि की तरह काम करता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपकी भूख नहीं बढ़ रही है, अगर आपके बच्चे को भूख खुलकर नहीं आ रही है या आपको भी भूख खुलकर नहीं आ रही है तो आप किसी ना किसी रूप में काली मिर्च का सेवन करिए। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है तो भी काली मिर्च जो है उसको कम करने का काम करता है। तो काली मिर्च के दोस्तों बहुत सारे यानी कि ढेर सारे फायदे हैं। चलिए देखते हैं कि काली मिर्च को यहाँ पर हम कैसे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा मोटर पेस्टल यानी कि जिसे खरमूसर बोलते हैं, और चार दाने काली मिर्च के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साबुत काली मिर्च का ही यूज करना है क्योंकि अगर हम पाउडर का यूज करेंगे तो हमें रेशियो नहीं पता चलेगा। तो सिर्फ चार दाने काली मिर्च आप लेकर इस तरह से खरमूसर में इसको अच्छे से पाउडर बना लीजिए। आप मिक्सी में पाउडर बनाकर रख सकते हैं पर आपको चार दानों के हिसाब से ही रेशियो लेना है। अब यहाँ पर जो है हमारा खल मूसल का में ये चार दानों काली मिर्च का बहुत अच्छा सा पाउडर तैयार हो गया है। इसके बाद से जो है जो दूसरी चीज हमें चाहिए होगी वो है नींबू। नींबू से आपको ये पता है कि भूख खुलकर आती है। नींबू एसिडिटी को दूर करता है, साथ ही अगर मुंह में स्वाद ना आ रहा हो, नींबू का रस आप थोड़ी सी अपनी जबान पे डाल लीजिए तो आपकी भूख खुल सी जाती है। तो यहाँ पर हमें आधी नींबू का यूज करना है। नींबू जो है हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, साथ ही गर्मियों में जो है नींबू शरीर को ठंडक देने का काम करता है। हम जब कोई भी शरबत वगैरह बनाते हैं तो नींबू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं ड्रिंक बनाने वाली हूँ जिसमें हम करेंगे नींबू का यूज। दोस्तों ये है गुनगुना पानी की यानी कि ल्यूक वार्म वाटर। पानी हम ठंडा नहीं लेंगे ना ही बहुत ज्यादा गर्म लेंगे, गुनगुना पानी लेना है इस रेमेडी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास गुनगुना पानी लिया है। इसके बाद से दोस्तों जो चीज मैं ले रही हूँ वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक आपको इजीली अवेलेबल होगा, ये वही नमक है जो व्रत में खाते हैं। फास्टिंग वाला जो सॉल्ट होता है ये वही सॉल्ट है। तो हाफ टी स्पून हम यहाँ पर सेंधा नमक लेंगे। ये हमारी डाइजेशन को सुधारता है, सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस टाइम इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बहुत जरूरत होती है तो सेंधा नमक का यूज जरूर करें। अगर आपके अंदर शुगर की क्रेविंग है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कहीं भी मसल्स में अगर आपको दर्द है, ऐंठन है तो उससे राहत दिलाता है। नींद नहीं आती है तो ये सेंधा नमक आपको नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आपके हेयर्स अच्छे नहीं है तो बालों के विकास को भी ये बढ़ावा देता है। तो सेंधा नमक बहुत ही जादुई नमक होता है, ये बॉडी पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। हाफ टी स्पून सेंधा नमक ले लिया है। अब इसके बाद से ये जो चार दाने काली मिर्च के पाउडर थे यहाँ ये भी यहाँ पर हम यही पानी में डाल देंगे। और इसके बाद से जो है नींबू जो हमने हाफ लिया था उस पूरे नींबू को यहाँ पर हाफ नींबू का जूस हम निचोड़ लेंगे। अगर आपके नींबू में ज्यादा जूस नहीं है, आपको लगता है कि नींबू रसीला नहीं है तो आप एक नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है तो। अब ये जो हमारा ड्रिंक तैयार होगा ये काली मिर्च,
सीधा नमक और नींबू डाला हुआ ये जो गुनगुना पानी का ग्लास है दोस्तों, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे आपको, जिसे भी ये समस्या है खाने में अरुचि की, इसे सुबह खाली पेट देना है। सुबह खाली पेट उठते ही ये वाला ड्रिंक बनाइए, और आप, अगर आपको ये समस्या है तो आप पी सकते हैं। घर में किसी और को भी हो, बच्चे बूढ़े बड़े कोई भी ले सकता है। आप इसको जो है 1 से 2 दिन करते ही देखेंगे कि आपकी स्वाद में, यानी कि आपकी जवान में बहुत ज्यादा फर्क आने लगा है। आपको खुद जो है भूख खुल कर आएगी, आपको जो है अगर उबकाई की समस्या है तो वो भी दूर होगी, आपको अगर मोशन सिकनेस की समस्या है वो भी दूर होगी, ज्यादा गर्मी लग रही है वो भी चीज आपको क्योर होगी। ये ड्रिंक एकदम मैजिकल ड्रिंक है दोस्तों, इसे जरूर ट्राई करिएगा। सुबह खाली पेट आपको ट्राई करना है, 2 से 3 दिन लेते ही आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। गर्मी से जुड़ी हुई समस्या का ये इलाज बहुत ही कारगर है दोस्तों, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे आप करके जरूर देखिएगा। इसको जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसको पीते ही 1 से 2 घंटे बाद ही आपको भूख खुल कर आएगी और आराम से खाना खा सकेंगे। तो इस 1 गिलास पानी को डेली अपनी डाइट में शामिल करिए। जब तक आपको ये समस्या हो रही है गर्मियों के दिनों में, तब तक आप इस चीज को लीजिए। अगर आपको गैस एसिडिटी की भी समस्या है तो भी आप इस मैजिकल वाटर को पी सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी भी जो है वो भी मैंने लेमन से करी हुई है, यानी कि नींबू का यूज हम इसमें करने वाले हैं। नींबू को यहाँ पर हम हाफ टुकड़े में कर लेंगे, एक बार में हाफ नींबू की ही जरूरत पड़ेगी। और इस नींबू के जो बीज हैं उनको निकाल कर पहले आप अलग कर दीजिए। अब इसके साथ साथ 2 चीजें मैं वापस से ले रही हूँ। एक तो काला नमक दोस्तों, इस बार मैंने काला नमक का यूज किया है। काला नमक से भी गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, खाने में रुचि होती है तो वो समस्या खत्म होती है। काला नमक को इस तरह से किसी फोक की हेल्प से हम नींबू के अंदर जो है अच्छे से प्रेक कर देंगे, जिस नींबू के अंदर ये काला नमक चला जाए। और इसके बाद से जो है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो दरदरा जो पाउडर है काली मिर्च का तैयार किया हुआ वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। और इसको भी हम फोक से अंदर अच्छे से डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग से जो है जो गैस बन रही है बॉडी में, आपके कहीं पेन हो रहा है तो हींग से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तीनों चीजों को डालने के बाद अब यहाँ पर नींबू को हम क्या करेंगे, एक फोक पर लगाकर या फिर चिमटे से पकड़कर गैस पर अच्छे से सेक देंगे। इसको हमें करना है अच्छे से ड्राई रोस्ट, और जैसे जैसे नींबू ड्राई रोस्ट होगा दोस्तों आप देखेंगे कि नींबू जो है थोड़े से बुलबुले छोड़ने लगा है, इसका जो रस होता है वो साइड साइड से गिरने लगता है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नींबू को हम यहाँ पर अच्छे से सेक लेंगे, एकदम ब्राउन कर लेंगे। जब नींबू साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाए, देखिए नींबू बहुत बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गया है। नींबू को हल्का सा ठंडा करेंगे और इस नींबू को जो पेशेंट है उसको आप हल्के हल्के से चाटने को दे सकते हैं। इस नींबू को, अगर नींबू की खटास आपके जो पेशेंट है उनको बर्दाश्त हो सकती है, तो नींबू को इस तरह से ही धीरे धीरे चूसते हुए उसका सारा रस उनको धीरे धीरे अपने मुंह में करके थोड़ा थोड़ा लेना है। और यहाँ पर ये जो काली मिर्च नमक है इसको आप चाहें तो और अच्छे से प्रेक कर दीजिए। नींबू थोड़ा सा गर्म है तो मुझे पकड़ने में दिक्कत हो रही है, पर ये उपाय दोस्तों बहुत अच्छे से वर्क करता है। और ये नींबू आपको गुनगुना ही उनको देना है। जब अगर उनको भूख नहीं लग रही है तो खाना खाने से आधा घंटे पहले ये उपाय करिए। अगर आपको लगता है कि जो पेशेंट है वो नींबू का यूज ऐसे नहीं कर सकते, नींबू को नहीं खा सकते डायरेक्ट, तो नींबू का जूस निकालिए। और इस, जैसे मैंने प्लेट में नींबू का जूस निकाला है, इसको आप दे दीजिए धीरे धीरे चाटने के लिए, उंगलियों से धीरे धीरे वो चाटते रहे, या फिर आप इसमें थोड़े से कुछ खीरा टमाटर काट दीजिए इस नींबू के जूस में। तो ये जो नींबू का जूस है ये बहुत ही मैजिकल तरीके से बॉडी पे वर्क करता है और बहुत ही रिलीफ देता है दोस्तों। तो ये जो 2 उपाय हैं ये आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।